बीकानेर से पाली पेपर घुस गया, 12 लोग पकड़े गए और ये भी है कि वो आंसर भेजे गए, तो वो क्या जरूरी है कि बीकानेर वापस पूछा और कहां का पूछा होगा? क्या व्हाट्सएप पे कहां गया है? कैरी पुलिस ने जांच के लिए, पुलिस के आप मुखिया रहे हो तो पुलिस क्या जांच करेगी? आपने जो कहा होगा वो होगा। निष्पक्ष और ईमानदार पुलिस के अधिकारी भी है, लेकिन ऊपर से प्रेशर होता है तो उसको भी दबा दिया जाता है। लेकिन जिस प्रकार जे एन डिग्री में एस एच ने जांच की और युवाओं का दबाव था, जो हमने संघर्ष किया उसका फल ये होगा, जांच निष्पक्ष को रद्द करना पड़ा, उसको रद्द करना पड़ा। अब वही जो मुख्य सचिव साहब से मुलाकात की थी, वो जाने वाले थे, कैसे जैसे उनसे मुलाकात की होती, बोले दिखवाते मामले की जाँच कराते, दिखवाते हैं और मामले की जाँच कराते हैं कि आश्वासन है। पता नहीं क्या क्या दिखवाया, क्या क्या जांच कराया, लेकिन भाई आपकी बात सड़क सही है, इसलिए तो बैठे, ऐसा आसानी से कौन मिलता भाई सड़क पर, यहाँ पर हमें बैठने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मैंने यहाँ पुलिस प्रशासन के भी लोग हैं, उनसे मैं यही निवेदन करूँगा, भैया एक चीज का ध्यान रखना, आप सबसे ये कहना चाहूंगा, सरकारी कोई से भी हो, बीजेपी सरकार थी तो 2016 में जेल प्रहरी का पेपर लीक हुआ, राजस्थान पुलिस का जो ऑनलाइन एग्जाम में लीक हुआ, जब मुझे जेल में डाला गया वो अपराधी मुझे भूल मिले थे, उद्योग धंधा उन लोगों ने बना रखा है, मिला मुझे, अरे भाई उसका नाम नरेश है, वो वीडियो देखना जान जाएगा, नरेश मुझे मिला कि भैया मैं तो बहुत पैसे कमाए, जबर हो छूट वर्तमान सरकार आई, लाइब्रेरी जे एन डिग्री और एस आई का जो मामले सामने, भैया मैं ये कहूंगा कि राजनेताओं में डिबेट में आपने देखा बीजेपी कांग्रेस सबको राजनीति भूलकर ये राजनीति कर दीजिए कि मेरे प्रदेश के युवा बेरोजगार का भविष्य कैसे बचे, कैसे उन लोगों को बचाया जाए और कैसे सख्त कानून बने, कैसे वो जेल के अंदर छोड़े, गैर जमानती सख्त से सख्त कानून भी बने ना, डर तो होना चाहिए, डर है नहीं, अब लोग जुगाड़ में लगे कि स्कूल कैसे खरीदे, बोले कि तहसील स्तर पर स्कूल दी गई ना, स्कूल मालिक को ऑफर दे रहे हैं, माली हालत होगी वो सोचते यार चलो ठीक है यार सेटिंग कर लेते हैं, तो ये चीजें सारी चीजें हैं। मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो, भाई में जोश तगड़ा है कि विधानसभा घेराव करे, ठीक है ना, मैं जोश का सम्मान करता हूँ, सुन लीजिए आप एक बार, जोश का सम्मान करता हूँ, लेकिन 9 साल मुझे हो गए अनुभव, मुझे अनुभव है, मुझे पता है कि जब 55 लोगों में जब मुकदमे लगे थे उनकी नौकरी में कई लोगों जोड़ी हुई थी, मेरी आत्मा जानती है उन लोगों को केस वापस करा के वापस उनकी नौकरी लगी, आपका यहाँ आप मौजूद हो तो आपका अभिभावक मैं हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि आपका काम के साथ साथ आप लोगों को बचा दें, और जितने मैंने लग खाए हैं, जितनी मैं जेल गया हूँ, राजस्थान में कोई बंदा नहीं होगा किसी के बाप से डरता नहीं, पुलिस प्रशासन से यही निवेदन करूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी या कुलदीप रागा जी से हमारी मुलाकात करें।
मैं मेरी बात आपसे मैं कह रहा हूँ, कुलदीप राघा जी कौन है आपको बता दूं, आईएएस प्रमुख सचिव है जो हमारे मुख्यमंत्री जी को सारी ब्रीफ करते हैं, सारी स्थिति अवगत करवाता है और एक तरह से दूसरे सीएम वही है जो प्रशासनिक है। तो कम से कम हम वहां तक बात पहुंचाए, वहां पता नहीं उनके सचिव साहब ने पूछाई कि नहीं पूछाई, मुझे नहीं लगता पूछाई होगी, तो कम से कम आप लोगों की पीड़ा पूछे। कम से कम हम यह कह रहे हैं कि आपने कहा कि दो वीडियो में एक वीडियो बना दिया, वीडियो दो बार बता दिया, एक बोले जयदेव को गिरफ्तार कर दिया, तो गिरफ्तार करने से मामला रफा दफा थोड़ी हो जाएगा, पेपर खुले कैसे आए, जब एग्जाम 4 सितंबर को होने वाली थी 3 चरणों में कैसे आयोजित हुई, सवाल बहुत से हैं। लेकिन यह चीज जब संभव हो पाएगी, कभी एक लड़की का फोन आया था कि भाई साहब आप आ रहे हो, नहीं आ रहे, लड़के जा रहे हम जा रहे हैं, लड़के जा रहे हम जा रहे हैं, शांतिपूर्वक आप बैठोगे अनुशासन में रहोगे तो पुलिस प्रशासन भी आपको कोऑपरेट करेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है उनके भी परिवार में कोई ना कोई तो तैयारी कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे जोश में हम चले तो जाएंगे, वहां बैठ भी जाएंगे, लेकिन अनुशासन जो मिलने रहना है सबको मिलकर लेना है। लेकिन सबसे पहले यही है कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री या कुलदीप राघा जी से मीटिंग नहीं हो जाती, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, सारे लोग हैं, सारे लोग। देखिए सभी मेरे भाई और बहन जो भी या